आगे सब रास्ते पे। मतलब पे बात फिर से शुरू हो चुकी है, देखना है इस बार कोई नतीजा निकलता है या नहीं। ए तैदा था, हाँ, अच्छा था, अच्छा। था ना? ऑल एक काम कर, ये डाल पेंसिल मुंह में डाल, बोल कश्मीर मशरे पे। अरे वाह, थैंक यू। कम ऑन गाइस, एक प्रेजेंटेशन। गेट आउट ऑफ द सड़क। नहीं नहीं नहीं, दर्द होगा। तुझे देखा। ये कट 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 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नीचे आजा आजा आजा, कम कम। क्या कर रहा है तू? मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। वाइड स्टांस ले, पैर को टिल कर, थोड़ा बेंड कर। मुझे फील मत कर, गाने को फील कर। एक्टिंग तो बड़ी आसान चीज है सर, मुझे लगा कि क्या है कि एक्टर बनना आसान होता है, काम मिलना मुश्किल होता है। कम ऑन, ऊपर, नीचे नहीं यार, ऊपर। एक और लास्ट, अभी एक और सेट बाकी है यार। क्या हुआ? ट्रेनिंग करा रहा हूँ। सब मरे हुए पड़े हुए हैं यार, जितना मैं करता उतना करा दिया ना। कैसे? ज्यादा करा दिया? ऑफ कोर्स ज्यादा करा दिया तूने यार, हालत देखे इनकी। टीचर्स? हाँ सर, टीचर्स। तू पागल हो गया? सर लाना तो पड़ेगा ना, दिल तो सबका लग गया पर दिमाग भी लगना चाहिए और उसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। रख भर के प्रोफेसर तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, बाहर जाके वो मुंह खोलेंगे। ताजमहल के वर्कर्स की तरह एक एक की जबान काटनी पड़ेगी। सर कोई तो रास्ता होगा, नहीं तो हमारी लर्निंग तो अधूरी रह जाएगी। अरे अधूरी क्यों रहेगी? माना कि टीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन टीचर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी टीचिंग्स। अगर टीचर्स यहाँ नहीं आ सकते तो उनकी टीचिंग्स तो आ सकती है ना। पर वो कैसे? शूटिंग करके, प्रोफेसर की शूटिंग करो, उनकी शिक्षा के एपिसोड्स बना दो और फिर कॉलेज में फिल्म की तरह दिखा दो। कॉलेज को थिएटर बना दो, लेक्चर को पिक्चर बना दो, एंटरटेनमेंट की एंटरटेनमेंट, पढ़ाई की पढ़ाई, डिजिटल एजुकेशन। एब्सोल्युटली, क्या आइडिया है, अब तो सबका मन भी लगेगा। सोचना, सब लोग कॉलेज भी आएंगे और पिक्चर भी देखेंगे। कमाल है यार। वाओ। गूगल जी, हाँ, कैमरा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? गाइस गाइस गाइस, अटेंशन हियर, कैसे भी करके हमें इन सारे लोगों को कन्विंस करना है। हो सकता है कि ये लोग आपको एंटरटेन भी नहीं करें, पर हम हारेंगे नहीं। कैसे भी करके हमें इन सारे प्रोफेसर्स को अपने कॉलेज का प्रोफेसर बनाना है। इनोवेटिव आइडिया है, मैं 100% दूंगा आपको सिखाने के लिए। तोड़ के मरोड़ के तकदीरें जोड़ ली, कैद थी जो सोच की जंजीरें खोल दी। अबे तूने कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग अपने अपने काम में इतने सीरियस हो गए हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है। देखना यार, कुछ दिनों पहले सब लोग पार्टी कर रहे थे या। और आज
सब लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल दी। आई नो, मैं बोल रहा हूँ कि अल्टरनेट एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अरे yeah, ये सब पढ़ाने वाले कॉलेजेस है कहाँ? yeah. अगर इंसान अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना ले हाँ. तो आई मीन कामयाबी तो मिलनी है। हाँ यार तुझे पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है? पूरी जिंदगी दूसरों की सुनने में लगाते हैं और खुद की कभी नहीं सुनते, और जब खुद की सुनते हैं तो फिर किसी और की नहीं सुनते। राइट अपने टाइम पे अगर ये सब होता तो हम लोग क्या जीनियसेस होते ना? तुझे क्या लगता है कि जीनियस होना बड़ा है कि जीनियस बनाना इम्पोर्टेंट है? अरे सर मैंने एक वेबसाइट बनाई है। तूने? हाँ मैंने नहीं बनाई है, विष्णु ने बनाई है, पर आइडिया तो मेरा ही है ना, www.iamfaltu.com। अच्छा इसमें क्या होता है? सर बेसिकली क्या है, आप घर पे बैठे बैठे किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी शहर से, किसी भी गली से, किसी भी देश से, मतलब इन शॉर्ट आप जो भी सवाल पूछोगे उसके जवाब मिलते हैं। और मैंने इस पर सारे वीडियोज अपलोड कर दिए। अपने सारे वीडियोज तूने अपलोड कर दिए? हाँ अब देखिए ना, हमारे जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता, वो घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। नॉट बैड, आप ट्राई करो ना सर, यू प्लीज ट्राई। यू सीरियस है? मजाक नहीं कर रहा? नहीं सीरियसली। ओके लेट्स ट्राई। ओके ओके हाउ डज एन इंडक्शन मेक अब मुझको बहला रहा दिल मेरा, बंदा कंफ्यूजन सुलझा रहा है मेरा, जोश है अब होश है और अच्छा यार, किसी ने तो सोचा कि पढ़ाई के अलावा ऐसे भी कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं। काश मेरे टाइम पे ऐसा होता कोई कॉलेज, तो पता इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। फालतू कॉलेज का डांस प्रोफेसर।